शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से। अरे श्रद्धा, तुम कैसी बातें कर रही हो गया होगा, कोई बाहर वाला तो आके नहीं करेगा ना? अरे मैडम जी, ये तार तो देखो ना, कैसा बाबा आदम जमाने का होकर रखा है। मैं एकदम नया कलकदार करके दूंगा, पर थोड़ा टाइम तो जाएगा अंकल जी, कम से कम 4 दिन। 3-4 दिन अंधेरे में कैसे रहेंगे? मेरा काम भी रह जाएगा। एक काम करते, इस बारे में नीचे चल के बात करते, ठीक है जी। और भाई साहब, ये देखने के बाद एक एस्टिमेट भी दे दीजिएगा और बता दीजिएगा कितने दिन लगेंगे। हाँ, मैं देखता हूँ फिर बताता हूँ। चलो आओ। करना क्या है, कल आ रहे हैं तो 3-4 दिन तो रुकेंगे। मैं भी यही चाहती हूँ। वैसे भी श्रद्धा को लेके मेरा दिल बड़ा घबराता है। कुछ दिन हमारे पास रहेगी तो अच्छा लगेगा। मैं बात करती हूँ उससे। आप खाना खाइए ना। अरे भाई, इसमें बोलना क्या है, जब तक आपके घर की बिजली ठीक नहीं होती आप लोग हमारे संग रहिए। भैया, हमारे घर का इन्वर्टर भी हमारी हड्डियों की तरह ही हो गया है, ज्यादा बोझ नहीं उठा पाएगा। अरे मुश्किल से आपके और मेरे कमरे के लाइट पंखे चल जाए, वही बहुत है। भाई साहब, ऋतु ठीक कह रही है, आप लोगों को बेकार में परेशानी होगी। अरे पर हम 4 दिन बिना बिजली के कैसे रहेंगे? वैसे दिलीप भैया, वरुण इसी मोहल्ले में रहता है, लेकिन वहां ना हमें टेका लगाने को भी नसीब नहीं होगा। मम्मी जी, अगर आप लोग को एतराज नहीं हो तो हम लोग सब मम्मी पापा के भी घर रुक सकते हैं। क्या इसका मतलब है, तुमने उन्हें बता भी दिया हमसे बिना पूछे? नहीं नहीं मम्मी जी, वो एक्चुअली मम्मी का फोन आया था। कल मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है ना, तो उन्होंने सबको दावत पर बुलाया है। उसी वक्त मैंने उनको बिजली कटने के बारे में बताया था, तो उन्होंने ही कहा कि अगर सबको एतराज नहीं हो तो हम लोग उनके घर भी रुक सकते हैं। नहीं श्रद्धा, उन्हें बेकार में क्यों परेशान करना है, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ अभय बिल्कुल सही कह रहा है, और वैसे भी अगर यशवी जी ने हमसे बात की होती तो अलग बात होती। भाभी, यशवी जी श्रद्धा से बात करें, आपसे बात तो एक ही है। मौके को फायदा कैसे उठाना ये भी हमें आपको सिखाना पड़ेगा। अरे आपका जन्मदिन आ रहा है, ऐसे अंधेरे में मनाएगी? समधन जी से थोड़ी सेवा करवाए की सोच रही थी। अरे बात तो बिल्कुल सही कह रही है। अरे तो अब अच्छा श्रद्धा, जब यशवी जी इतना बोल रही हैं तो उनको मना करना भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो तुम उनसे बोल दो कि हम सब आ रहे हैं उनके घर। हाँ जी। उफ, किया कुछ और था और हो कुछ और। क्या मतलब? अब क्या किया तूने? मतलब लाइट जो गई थी ये तेरा कांड था? हाँ तो मैं भी अपना सामान बांध लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, बारात लेकर नहीं जा रहे हैं। लीजिए मैडम। अरे वाह मैडम, आप तो टॉक टॉक वाली। हाँ है तो। भाई साहब, आपके लिए कौन सी बना दूं? अरे कौन सी, छोड़िए चाचा, जिसका मजा ये मैडम ले रही है उसका मजा हम भी ले लेते हैं। अरे कहाँ जा रही मैडम? आइए मैडम जी, और छोड़ देते ना घर तक आपको, अकेले ना आइसक्रीम खाया करो, नजर लग जाएगी। अरे ओ मैडम, माँ बाप ने सिखाया नहीं तुमको कि लड़कियां अकेली रात में घर से बाहर नहीं निकलती, कोई भूत ऊत चढ़ गया तो? हैं? सुनो, हमको ना अपना ध्यान अच्छे से रखना आता है, चलो हटो। अरे कैसे हट जाएं? छोड़ो मैं।
इसको पहले हमने देखा और अगर तू बीच में आया ना, मैं तेरे दोनों हाथ तोड़े बगैर तुझे यहां से जाने नहीं दूंगा। ये बीवी है मेरी, हाथ धरेगा इस पे तू, मुझ पे हाथ धर, धर। तेरी तो मेरे भाई को मारता है। नमस्ते बेटा, क्या आप ठीक हो बेटा? आओ अंदर आओ। लीजिए। हाँ वैसे तो हमने अपने रहने का इंतजाम कर लिया था और हम यहाँ आने के लिए भी मना ही कर दिए थे, पर फिर श्रद्धा ने कहा कि आप बहुत जोर दे रही हैं, तो हमने भी सोचा कि चलते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। क्यों बहन जी? जी अरे मम्मी, तुझे पता है ना मम्मी कैसे बोलती है? बोलने दे, तू चुप। आप आराम से बातें कीजिए, हम कुछ खाने को लेकर आते हैं। आओ बेटा। भाई साहब सॉरी इतनी रात को आपको तकलीफ थी। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, हम लोग एक परिवार हैं, साथ में बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, मजा आएगा। बबलू दिखाई नहीं दे रहा अंकल? बस वो पढ़ाई में बिजी है अपने। अच्छा हम ना काफी थक गए हैं तो सोच रहे हैं थोड़ा आराम भी कर लें, तो आप बताइए ना कि हम अपनी चटाई कहाँ लगा लें ताकि थोड़ा सो लें। और हाँ आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम ना देख लेंगे। अरे तनुजा जी कैसी बात कर रहे हैं आप, आपका कमरा तैयार है, आप लोग आराम कीजिए। वो भी अच्छा है। आइए भाई साहब मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूं। हाँ हाँ आइए। श्रद्धा अभी को कमरे में ले जाओ। मम्मी आज आपको शाम के लिए इतना सारा इंतजाम नहीं करना चाहिए था। देखिए अभी भी ठीक नहीं हुई है आप, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। अरे बेटा कोई बात नहीं, इसी बहाने सब मिल बैठ कर खा लेते हैं। लेकिन मम्मी थोड़ा ठीक तो हो जाती हैं आप पहले। मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, ठीक हूँ एकदम, कुछ नहीं हुआ मुझे। छोड़िए उसे, छोड़िए रोटी, छोड़िए। मम्मी आज मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, बहुत काम भी है मेरा ऑफिस में, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है निकलने से पहले मैं वो सब कुछ करके जाऊंगी। और आते वक्त खाने में कुछ और अगर चाहिए होगा तो वो बाहर से मंगवा लेंगे हम लोग। क्या बात कर रही हो श्रद्धा, बाहर का खाना? अरे मेरी दोनों बेटियों के ससुराल वाले पहली बार आ रहे और मैं उनको बाहर का खाना खिलाऊंगी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कैसे समझाऊं मैं आपको, मुझे समझ में ही नहीं आता है। यशवी जी आपने कैसा इंतजाम किया है? तनुजा जी क्या क्या बात हो गई? लगता है ना आप अनुज जी को बुखार दे के ही रहेंगी। अरे नहाने का पानी इतना ठंडा जैसे गीजर ने हाथ खड़े कर दिए हो।
मजाक में ना कुछ भी बोल देते हैं। वो गीजर की तार बिगड़ गई होगी, हम अभी ठीक करवाते हैं। हाँ यशवी जी, कुछ दिनों के लिए ना आप गर्म पानी का इंतजाम कर देना। जी ठीक है। ठीक, आप कमरे में आराम कीजिए, मैं पानी भिजवाती हूँ। ठीक है, आप कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। अरे मम्मी आराम से, आप रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ गर्म करने के लिए। श्रद्धा, श्रद्धा, तुम्हारे दफ्तर से बार बार कॉल आ रहा है, चलो। हाँ बस 5 मिनट में ये सारा काम खत्म कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं श्रद्धा, नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ बेटा, लेट हो जाओगी, जाओ। लेकिन मम्मी, जाओ, मैं कर लूंगी, जाओ। मम्मी लेकिन आप प्लीज अपने सेहत का भी ध्यान रखिए। हाँ बाबा रखूंगी, अभी जाओ, तुम देर हो जाएगी, जाओ। मम्मी पापा ने घर पे सालगिरह की पार्टी रखी है, तो हम सोच रहे थे ना, वरुण जी की मम्मी ने ये जो कीमती हार हमें दिया है ना, हम ये पहन के जाएं। वैसे दिखने में थोड़ा पुराना लग रहा है मुझे ये, और तुम्हारा तो अंदाज ही अलग है, शायद तुम पे उतना अच्छा ना लगे। अच्छा कीर्ति। हाँ? मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। कैसे हैं वरुण जी आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बढ़िया एकदम। वरुण जी नाश्ता कर लिया? नाश्ता कीर्ति, वैसे भी तुमने बाहर से मंगाया, तो मैं ऑफिस जाके कर लूंगा। अच्छा ये लो, 60,000 रुपए रेंट के और 40,000 रुपए घर के खर्चे के लिए, ठीक है? ठीक है। देखो कीर्ति, इसमें पूरे 1,00,000 रुपए, ध्यान से रखना। हाँ वरुण जी। बुआ जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। बस बढ़िया, ऑफिस जा रहे हो? हाँ। जा। और बुआ जी आज क्या खबर लेकर आई हैं आप? नहीं नहीं बेटा, हम कोई खबर नहीं लाए, वो तो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी तो यहाँ आ गए। वैसे हमें ये पूछना था कि आज रात को तुम अपने मायके आ रही हो, हमारा मतलब है जा रही हो? क्यों, आपको कोई शक है कि हम अपने मम्मी पापा के सालगिरह में नहीं आएंगे? नहीं बेटा, हमें क्यों तुम पर शक होगा, हम तो बस तुम्हें आगाह करने आए थे कि वहाँ तुम्हारे प्यारे मम्मी पापा के अलावा अभय, श्रद्धा, भैया, भाभी और सबसे पसंदीदा हम भी वहीं मौजूद है। ओहो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, चलो हम बता देते, कल ना हमारे यहाँ पर लाइट चली गई तो हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मायके ही रुके हुए, कुछ दिन वहीं गुजारेंगे हम, तो आ रही हो ना तुम, हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा बेटा, आ जाना, चलते। खबर ली भी ली और दी भी थी, अब जाकर तनुजा भाभी का हाल चाल जान लेते। यशवी जी अभी तक गरम पानी लेके काहे नहीं आई हैं? इतना वक्त थोड़ी लगता है पानी गरम करने में। तनुजा जी आप भी कमाल करती हैं, आप भी ला सकती थी ना। अरे अनुज जी, ससुराल वालों के लिए सब कोई करता है, अगर अब आरती की शादी होती है तो हमको भी करना पड़ेगा ना। हाँ लेकिन। अरे लेकिन क्या, वो कोई एहसान नहीं कर रहे हम पे हमारी मदद करके? वैसे भी आप नहाने की तैयारी करिए, हम देख के आते हैं कि हो क्या रहा है। हाँ लीजिए, आ गई यशवी जी। अरे हमको तो लग रहा था कि वो काम में इतनी व्यस्त। अरे ये तुम काहे उठाए हो? क्यों, आपको नहाने के लिए गर्म पानी नहीं चाहिए?
भगवान, बहू के मायके वाले अपने ही दामाद से बाल्टी उठवा रहे हैं। अरे उन्होंने भेजा ना तुम्हें, हम अभी उन्हें ठीक करके आते हैं। रुक। अरे मम्मी, तनुजा जी प्लीज रुके। जबरदस्ती मैंने उनसे काम लिया था, आप शांत हो जाइए। और पानी तो है। अरे क्या शांत हो जाइए, अगर हम तुम्हें जबरदस्ती कहें कि अपनी माँ पर उबलता हुआ पानी उड़ेल दो तो तुम कर दोगे क्या? बस करो यार। दामाद से लोग एक ग्लास पानी तक का नहीं उठवाते हैं। मम्मी बस करो अब, और तमाशा करने की जरूरत नहीं। नहाना नहाओ, नहीं नहाना नहीं, मैं जा रहा हूँ। हम ही ना लेते हैं। तनु भाभी, आज सुबह की ताजा ताजा खबर सुनिए। हम कीर्ति के यहाँ गए थे और हमने कीर्ति को बता दिया कि पूरा त्रिपाठी परिवार यहीं पर है उसके मायके। अब आप देखिएगा, उसके बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी यहाँ आने की। अब हम ना बहुत है, थक गए, भूख लगी है हमें। हम ना जाकर रसोई घर में जरा चक्कर लगा कर। हाँ जाइए जाइए। देखे तो सही आपकी समधन यशवी जी ने क्या क्या बनाया है नाश्ते में। हम अभी जाइए जाइए। हाँ जा रहे हैं हम। बेटी के ससुराल वाले आए हैं, यशवी जी ने बड़ी अच्छी तैयारी की होगी। देखे कर रही हैं आप रितु? अभी हम जो अभी देख कर आ रहे हैं, हम बता नहीं सकते, हमें बहुत बुरा लग रहा है। अरे अरे भाई हुआ क्या है? आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, खुद अपनी आंखों से देखिए इस माँ और बेटी की हरकतें। चलिए। ओफो हुआ क्या है रितु? चलिए। अरे बेटा रहने दो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, मैं अपने दामाद से काम करवा रही हूँ। जाओ आप आराम करो, मैं कर लूंगी। दामाद से काम करवा के पाप लगेगा हमें, छोड़ दो आप। लो, एक तरफ आप बेटा बोल रही हैं और फिर दामाद बोल के खुद ही दूर कर रही हैं। आप ना डिसाइड कर लीजिए, मैं आपका बेटा हूँ या दामाद, तब तक मैं एक केक बना लूं। वरुण तो सिर्फ उसकी बीवी के प्यार में पागल हो गया था, ये देखो अपनी बीवी के परिवार के पीछे पागल हो गया, अंधा हो गया। देख रही है यशवी जी अब सास नहीं, नई माँ बन गई है। समझ में आ रहा है कुछ आपको? समझ रही है आप? अरे अपनी सगी माँ को तो प्यार से तोड़ने वाले खिलाए नहीं जाते। और देखिए सास कम नई माँ के लिए केक बनाया जा रहा है। आपका बेटा ना आपके हाथ से चला गया है, अब वो यशवी जी उसकी नई माँ है। प्यार पट गया आपका, निकल गया भाई, देखो गया। अब है बेटा हम बहुत खुश नसीब हैं जो दामाद के रूप में तुम हमें मिले। कुछ मम्मी पापा को अकेले ही मैनेज करना पड़ रहा है, जल्दी से घर पहुंचना होगा। मेरा भी बहुत ज्यादा मन था कि हम लोग मूवी चलें, लेकिन फिर लेट हो जाएगा तो। आरती, ऑल ओके? हाँ भी। कौन था वो लड़का? मेरा बॉयफ्रेंड, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है भाभी, प्लीज किसी को मत बताना। मैं उस लड़के से मिलना चाहूंगी ये देखने के लिए कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही है कि नहीं। आरती